नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ECS स्टूडेंट मिलन के आज के दिन के दोस्तों तीसरे मुकाबले की सीरीज़ का। दोस्तों ये 33वां मुकाबला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम फ्रेश ट्रॉपिकल वर्सेस टीम ब्रेसिका सीसी के बीच में। तो वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले में कौन से खिलाड़ी आपको इस स्मॉली की टीम में लेके चलने हैं, कौन से खिलाड़ी आपको ग्रैंड लीग में पिक करने हैं और कौन से प्लेयर्स कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको वीडियो कम्प्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी या जिस टीम के साथ मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी के समय दोस्तों ऑलमोस्ट 15,700 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का और कमेंट सेक्शन में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो टीम फ्रेश ट्रॉपिकल है ना, तो टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम ने 8 मुकाबले खेले हैं जिसमें से इनकी टीम 6 मुकाबले अपने जीती है और सिर्फ 2 मुकाबले हारी है। जबकि जो इनकी अपोनेंट टीम है ब्रेसिका, इनकी टीम ने भी दोस्तों टूर्नामेंट के अंदर 5 मुकाबले खेले हैं जहां पर इनकी टीम 4 मुकाबले जीती है, सिर्फ अपना 1 मुकाबला हारी है। तो देखा जाए दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो कीपिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो पहला नाम आता है यहाँ पे इरफान शेख का, जो कि आते हैं फ्रेश ट्रॉपिकल की ओर से। इरफान शेख की अगर मैं बात करूं तो अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग तो करते ही हैं, साथ में आपको दोस्तों नंबर 3 पर बल्लेबाजी भी करते हुए नज़र आ जाएंगे। लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने अपनी टीम के लिए 31 रन बनाए थे। वहीं पर मैं अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर दूलू की, तो ये भी अपनी टीम के लिए जो है विकेट कीपिंग करते हैं, साथ में ये आपको जो है ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो देखा जाए भाई दोनों ही विकेट कीपर्स आपको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग देंगे। इरफान शेख लास्ट मैच में 31 रन बनाकर आए, वहीं पे दुलू लास्ट मैच में सिर्फ 1 रन बनाए, लेकिन अगर आप इनके पॉइंट को कंपेयर करोगे तो यासिर दुलू के जो पॉइंट है वो इरफान शेख से थोड़े से ज्यादा हैं। तो अभी के लिए मैं यासिर दुलू को भी करूंगा। बाकी अगर फ्रेश ट्रॉपिकल की टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो इरफान शेख आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। बैटिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों पहला नाम आता है बाबर हुसैन का, तो ये भी आपको अपनी टीम के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। लास्ट मैच में भाई बिना खाता खोले ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो अभी के लिए मैं इनको ट्राई करूँगा। एन चौधरी की मैं बात करूँ तो ये भी जो है आपको अपनी टीम के लिए मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे। लास्ट मैच में देखा जाए तो सिर्फ 16 ही रन बनाए, पर बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, तो मैं शायद इनको पिक ना करूं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाम निकल के आता है एच जामिल का, जिनको भाई 12% लोग लेके जा रहे हैं। जामिल भी नीचे बैटिंग करते हुए मैं ट्राई नहीं करूँगा। यू जावेद की अगर मैं बात करूँ तो भाई बैटिंग ऑर्डर तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लेकिन यू जावेद जो हैं आपको कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए, तो आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, पर इतना यूज़फुल नहीं है। बाकी नीचे से आपके सामने इमरान की ऑप्शन है और यहाँ पर मुदस्सर किया, तो मुदस्सर को आप देखोगे तो इनका थोड़ा सा परसेंटेज भी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, क्योंकि ये आपको 2 ओवर की बॉलिंग करा के देंगे। लास्ट मैच में विकेट इनको नहीं मिला था, लेकिन अपनी टीम के लिए 1 मेडन ओवर कर आए थे। तो बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर यही 2 बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप नावेद चौधरी को ट्राई करना चाहो कर सकते हो। टूर्नामेंट का जो पहला मैच हुआ था वहाँ पर इन्होंने बैटिंग भी की थी, बॉलिंग भी की थी, उसके बाद से मैचेस में बॉलिंग की है पर इतना कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन किसी भी मैच में अच्छा कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ से 3 बैट्समैन के साथ जाऊँगा। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ, पहला नाम आता है आई खान का। आई खान की मैं बात करूँ तो भाई ना तो अपनी टीम के लिए बॉलिंग कराते हैं, ना तो भाई अपनी टीम के लिए बैटिंग से कुछ खास कर पा रहे हैं, तो इनको पिक करना भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो मैं तो ट्राई करने वाला नहीं हूँ। दूसरा नाम निकल के आता है ए अली का। ए अली की मैं बात करूँ तो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे। लास्ट मैच में ए अली ने अपनी टीम के लिए विकेट भी निकाला था, और अगर मैं बात करूँ इनकी बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी से ये ऑलमोस्ट नंबर 4 पर बैटिंग करने आए थे, जहाँ पर अपनी टीम के लिए सिर्फ इन्होंने 1 रन ही बनाया था, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगे, जिस कारण से मैं ट्राई करने वाला हूँ। ए रजा इस्लाम भी देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं। लास्ट मैच में बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे और इन्होंने बॉलिंग भी नहीं की हुई थी, तो ये डिटेल में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किसी भी बॉलर के ओवर्स काटे जा सकते हैं और किसी भी बॉलर का ओवर जो बैटिंग ऑर्डर है उसको भी चेंज किया जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से रजा इस्लाम इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एस मलिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, नकवी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे, तो इस कारण से मैं नकवी को लेके जा रहा हूँ। लास्ट मैच में नकवी ने 23 रन बनाए और बॉलिंग से भी विकेट निकाला, तो कैप्टन बना के चल सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पर नाम आता है सजाद का, जो कि ब्रेसिका की ओर से आते हैं। सजाद लगातार बॉलिंग कराते हैं और लगातार विकेट लेके दे रहे हैं अपनी टीम को। तो ऑलराउंडर सेक्शन से भाई मैं यहाँ से जो 4 मेन ऑलराउंडर्स हैं उनके साथ जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर हैं ए अली, इसके अलावा ए रजा इस्लाम, नकवी और यहाँ पर सजाद। बॉलिंग की
मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे पहला नाम आता है चीमा का। चीमा ने जो टूर्नामेंट का स्टार्टिंग किया था ना, तब से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको भी करेंगे। इसके बाद आपके सामने आता है नाम नाविद का। नाविद ने लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए गेंदबाजी की है, विकेट निकाला है एक। एस अब्बास की मैं बात करूँ तो ये थोड़े से रिस्की रहते हैं क्योंकि किसी किसी मैच में इनको विकेट नहीं मिलते हैं, जैसे कि लास्ट मैच में भी इन्होंने विकेट नहीं निकाला है। अभी के लिए मैं लेके जाऊँगा। बाकी बिलाल हामिद ने भी लास्ट मैच में विकेट नहीं निकाला था, लेकिन मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है विकेट निकालेंगे। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो ब्रेस्का की ओर से सचिन आवेद हैं, लास्ट मैच में एक विकेट लेकर आ रहे हैं। जय महमूद हैं, लास्ट मैच में एक विकेट लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को ट्राई करके जाना चाहते हो तो किसी एक बैट्समैन या किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन भाई मैंने अपनी टीम में उन प्लेयर्स को लिया है जो कि आपको कन्फर्म बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। तो हमारी जो टीम है दोस्तों यहाँ पर रेडी हो गई है। जैसा मैंने बोला, दोनों ही टीम स्ट्रांग है, तो मैंने यहाँ पर 6-5 का कॉम्बिनेशन बनाया। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि भाई अपनी टीम में कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की किसको दी जाए जो कि सबसे मैन है। तो अगर मैं बात करूं कैप्टनसी की तो देखो आसिम अली को काफ़ी लोग कैप्टन बना रहे हैं, आप भी बना के जा सकते हो क्योंकि पॉइंट बाय इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर आप इनकी कंसिस्टेंसी देखोगे तो लास्ट के कुछ मैचेस बेकार हैं, तो मैं अभी के लिए नकवी को कैप्टन बनाऊंगा। ए राजा इस्लाम को मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा। ए अली के सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन है, आप इनको बना सकते हो, लेकिन मुझे रिस्क पसंद है तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके जाऊँगा क्योंकि सेफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता टी10 में। तो हमारी जो टीम है दोस्तों यहाँ पर रेडी हो गई है, इसको सेव कर देते हैं। एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। सेम टीम के साथ दोस्तों आप स्मॉल लीग ज्वाइन कर सकते हैं, सेम टीम के साथ आप ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार आप टीम का कॉम्बिनेशन देख लें, जो भी आपको चेंजेस करने हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो टीम मैंने आपको प्रोवाइड की आप उसी टीम के साथ जाओ, अगर आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी फाइनल अपडेट रहेगी, जो भी फाइनल टीम रहेगी या जिस भी टीम के साथ मैं इन्वेस्ट करूँगा, वो टीम आपको मैं सीधा टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। अभी के समय ऑलमोस्ट 15,700 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके जानो जाना, फाइनल अपडेट फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटा जरूर दबा देना आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे दोस्तों जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मैच को कवर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।